सारेगामा कारवा विद हार्मन गार्डन स्पीकर्स। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर लौट आई हूं सारेगामा कारवा के 5000 मेमोरेबल सॉन्ग्स में से अपनी स्पेशल प्लेलिस्ट लेकर। वैसे आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट्स के प्लेलिस्ट के साथ साथ बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ फीचर्स के जरिए नए पुराने सभी किस्म के गाने सुन सकते हैं अपने सारेगामा कारवा पर। इनफैक्ट अब तो बच्चों के लिए भी एक परफेक्ट लर्निंग म्यूजिक बॉक्स आ गया है कारवा मिनी किड्स के जरिए। तो बस उसमें पोएम्स हैं, राइम्स हैं, स्टोरीज हैं, वो सभी जो बच्चों की एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों में ही खूब काम आता है। तो चलिए आप भी ले आइए अपना सारेगामा कारवा। पर फिलहाल शुरू करते हैं आज का हमारा शो, जिसकी प्लेलिस्ट उस फिल्म से है जिसमें कैबरे सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, शरारत है, यहाँ तक कि टपोरी और नर्सरी राइम टाइप का गाना भी है। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हुई हो, लेकिन देयर इज नो डाउट कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल फिल्म्स ऑफ 1998। मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे स्टारर फिल्म ड्यूप्लीकेट की। Oh my God, what a beautiful film it was. वैसे आपको पता है इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें शाहरुख खान का डबल रोल था। पर क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान ने जब ये फिल्म साइन की थी तब उन्हें लगा था कि उन्होंने अपने करियर में काफी जल्दी ही डबल रोल फिल्म में काम कर लिया। उन्होंने सिर्फ कुछ ही फिल्मों में काम किया था एंड ही बिलीव्ड दैट डबल रोल सिर्फ वही कर सकते हैं जो बेहतरीन एक्टर हो और साथ साथ उनके पास काफी एक्सपीरियंस और वर्सेटैलिटी भी हो अलग अलग रोल्स प्ले करने की, जैसे अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार साहब। भाई हम तो यही कहेंगे कि उन्हें चाहे जो भी लगा हो, लेकिन मन्नू दादा और बबलू का रोल था तो काबिले तारीफ। स्पेशली द इनोसेंट कॉमिक टाइमिंग, नो वंडर ये फिल्म में एक कॉमिक बुक वाली फील दे गई थी, जिसमें हर कैरेक्टर थोड़ा एग्जैजरेटेड सा था, सीरियस सिचुएशन भी फनी बन गई थी। फिल्म के गानों ने भी फिल्म के फन कोशेंट को अनडाउटेडली सिर्फ इन्हेंस ही किया था, क्योंकि सारे ही गाने काफी कैची थे और इजी टू लाइक भी थे। और हो भी क्यों ना, इन गानों को लिखा जावेद अख्तर साहब ने था और कंपोज किया था अनु मलिक ने। जानते हैं इस फिल्म की शूटिंग हुई थी मुंबई के महबूब फिल्म स्टूडियोज में। वो एक ऐसा स्टूडियो है जहां पर क्लासिक फिल्म्स लाइक मदर इंडिया भी शूट हुई है। तो शाहरुख खान को यहाँ शूट करने में ना हर बार ही बड़ी ही अमेजिंग फीलिंग आती है, उनको बड़ा ऐसा प्राइड महसूस होता है आज तक भी। उस समय शाहरुख खान को सुबह 9 से 10 के बीच में शूट पर आ जाया करते थे, लेकिन शाम को 6 से 7 बजे घर वापस जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि फैमिली के साथ समय बिताना बेहद इम्पॉर्टेंट है। वैसे जब ये फिल्म के मेकर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी, तब फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट को लगा था कि शायद इस वजह से उनके और शाहरुख के संबंध खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि वो इकलौते ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी शाहरुख के साथ दो फिल्में फ्लॉप हुई थी, चाहत एंड देन ड्यूप्लीकेट। लेकिन शाहरुख ने इस फैक्ट को काफी ग्रेसफुली हैंडल किया था। वो जानते थे कि महेश भट्ट एक टैलेंटेड पर्सन है और पर्सनल लाइफ की मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट ये महेश भट्ट की आखिरी पॉपुलर फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। इसके बाद उन्होंने 1999 में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के साथ कारतूस फिल्म भी बनाई थी, लेकिन इट वॉजंट इवन नियरली एज पॉपुलर एज डुप्लीकेट। वैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म के लिए जूही चावला श्योर नहीं थी, और इस फिल्म के साथ उनकी कई सारी खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आगे शो पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं वो गाना जिसे सुनते ही सोनाली बेंद्रे वॉज लाइक लेट्स डू द सॉन्ग फर्स्ट, सीन्स वगैरह बाद में करते रहेंगे यार, क्योंकि उदित नारायण और अलका याग्निक का ये गाना था ही इतना मजेदार। मैं बात कर रही हूँ मेरे महबूब मेरे सनम इस गाने की। याद आया आपको, आई स्टिल रिमेम्बर द डांस स्टेप्स ऑन दिस सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और अगर आप मेरी तरह हैं तो दो चार ठुमके भी लगा लीजिए। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम,
कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। Oh,
लौट के मुझसे कहती है, लेकिन हर कागज पर मेरा नाम वो लिखती रहती है। मैं भी उसका दीवाना हूँ, कैसे उसको समझाऊँ। मैं भी उसका दीवाना हूँ, कैसे उसको समझाऊँ। मुझसे मिलना छोड़ दे वो तो मैं एक दिन में मर जाऊँ। कत्थई आँखों वाली एक लड़की, एक ही बात पर बिगड़ती है। तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज कहकर मुझसे लड़ती है। कत्थई आँखों वाली एक लड़की। वेलकम बैक टू द शो, कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज सारेगामा कारवा के रेट्रो सॉन्ग्स के कलेक्शन में से डुप्लीकेट फिल्म के गाने सुना रही हूँ मैं आपको। इस फिल्म को साइन करने से पहले जूही चावला काफी अनश्योर थी, क्योंकि फिल्म में उनका कोई सब्सटैंशियल रोल नहीं था। लेकिन उनकी इस दुविधा से उन्हें शाहरुख खान ने बाहर निकाला, जब दोनों ही एक्टर्स 1997 में यस बॉस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद शाहरुख ने जूही से घंटों तक बात की, सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्यों उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए। उनकी बातें सुनने के बाद जूही का अपने रोल के प्रति नजरिया बदला, और उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये फिल्म का रोल इतना बुरा भी नहीं है। सैडली डुप्लीकेट फिल्म के शूटिंग के दौरान जूही की माँ नहीं रही थी, जिसके कारण फिल्म के मेकर्स ने कुछ दिनों तक शूटिंग रोक भी दी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म के शूटिंग के लिए पूरी टीम प्राग गई हुई थी। जिस दिन वो पहुंचे, उसके अगले दिन करण जौहर का जन्मदिन था। करण इस फिल्म में महेश भट्ट को असिस्ट कर रहे थे। उनके जन्मदिन के लिए जूही और उनकी माँ ने करण के लिए बड़ा अच्छा सा गिफ्ट वगैरह खरीद के रखा था। अगले दिन जूही के शूट पर जाने से पहले ही उनकी माँ मॉर्निंग वॉक पर गई हुई थी, और उसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई और वो नहीं रही। जूही को एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ये खबर मिली थी कि उनकी माँ जो है वो नहीं रही हैं। जूही के लिए वो दिन बड़ा ही दर्दनाक था। आज तक भी वो उस दिन के बारे में अगर बात करती हैं तो कमज़ोर सी पड़ जाती हैं। लेकिन उस हाल में उस समय उनका साथ उनके उस समय के बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान ने दिया था। उन्होंने जूही और उनके परिवार वालों को ऐसे दुख के समय में संभाला और उन्हें ताकत दी। थोड़े दिनों बाद जूही को एहसास हुआ कि इस दुख से लड़ने का बस एक ही तरीका है, वो है फिर से काम रिज्यूम करना। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग रिज्यूम की। उन्हें इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि शाहरुख ने अपनी दोस्त का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था। जूही हर दिन शूट पर यही सोचकर जाती थी कि फिल्म के सेट पर शाहरुख खान होंगे और वो उन्हें उनके दुख का एहसास भी नहीं होने देंगे, क्योंकि शाहरुख अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से हमेशा उनका ध्यान भटकाए ही रखते थे और जूही को कभी भी उदास नहीं रहने देते थे। वैसे फिल्म में एक्टिंग के अलावा शाहरुख ने और भी कुछ काम किया था, और उनका साथ दिया था करण जौहर ने। और इसी सिलसिले में करण उस समय महेश भट्ट से थोड़ा खफा खफा से भी थे। क्या था ये किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं इस फिल्म से शरारत भरा ये अगला गाना। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे खुन को है, हमको मोहब्बत उनको है। लाई 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 लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। लाई 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 लाई।
चलते हैं गाते गाते, सोचा न जाते जाते जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कलके, सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान, लाई 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 लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। लाई 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 लाई। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।
झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को, इनसे होगा क्या। सॉरी गुस्से कपड़े नहीं तुम पर, कोई दौरा या कोई दौरी। ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो ना। बाहों में हमें तुम ले लो, हूँ पास तुम्हारे जब हम। बाहों में हमें तुम ले लो, हूँ पास तुम्हारे जब हम। तुम हमको बोलो थैंक यू, हम तुमको बोले वेलकम। ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम ही कहो ना। लड़ना झगड़ना झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को, इनसे होगा क्या। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना बिगड़ना, समझो समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय, मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय, मैं लौट के जब घर आऊं तुम बोलो डार्लिंग हाय। ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम भी कहो ना। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। शाहरुख ड्यूप्लीकेट फिल्म की शूटिंग के दौरान दूसरे एक्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहे थे। वो खुद कभी कभी सीन्स पर काम कर लिया करते थे, मतलब दूसरों को भी सिखाते थे और रिहर्स करने में मदद कर देते थे। और कभी कभी तो महेश भट्ट की बजाय करण जौहर एक्टर्स को सीन्स अच्छी तरह से लिख करके देते थे, समझाते थे कि उनका कैरेक्टर कैसा है, प्रोफाइलिंग कैसी है। करण ने जूही चावला को भी अपना कैरेक्टर समझने में काफ़ी हेल्प किया था। लेकिन करण को दिक्कत तब हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि महेश उस फिल्म की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं और उनके काम फिल्म के प्रोड्यूसर और करण के फादर यश जौहर जी को करना पड़ रहा था, बिकॉज ड्यूप्लीकेट फिल्म वॉज बैंक रोल्ड बाय यश जौहर्स धर्मा प्रोडक्शंस। यश जौहर ने महेश भट्ट को फिल्म बनाने की सारी फ्रीडम और रिसोर्सेज दिए थे, लेकिन फिर भी महेश भट्ट साहब ने फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से नहीं ली थी।
करण के हिसाब से तो डुप्लीकेट फिल्म पूरी भी सिर्फ शाहरुख खान के कमिटमेंट के कारण ही हो पाई थी, एज ही टुक द चार्ज ऑन सेट्स। इनफैक्ट उस दौरान करण इतने निराश हो गए थे महेश भट्ट से कि उन्हें डुप्लीकेट फिल्म से एसोसिएट होने पर भी कोई गर्व नहीं था। वो अलग बात है कि सभी लोग समझ रहे थे कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि महेश भट्ट साहब की पर्सनल लाइफ में उस समय बहुत कुछ चल रहा था और वो अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे थे। खैर, ये तो डेकेड्स पुरानी बात है। अभी तो दोनों ही डायरेक्टर्स काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इतने कि महेश भट्ट साहब की बेटी आलिया करण जौहर को अपना मेंटोर मानती हैं। वैसे डुप्लीकेट फिल्म से कोई और भी निराश था, कौन था वो शख्स उनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये अगला गाना। जो भी हो लेकिन
तेरे नाम ऐ हसीना, मैं मुसाफिर आऊंगा फिर, आज है कुछ काम मुझको है जाना, मुझको है जाना। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। और इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। बाजी वाह बाजी वाह वाजी वाह वाह वाह, वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह, वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह। जब न लाया था ये चटनियां, तुम न थे तो यूं थी जिंदगी यहां, बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां। इश्क का अचार भी न बन सका, हुस्न जब न लाया था ये चटनियां, हुस्न जब न लाया था ये चटनियां। हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह।
इसलिए अकेले थे, कड़वे थे, कसीले थे, करेले थे, आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो। हो आज तक तुम इसलिए अकेले थे, कड़वे थे, कसीले थे, करेले थे, आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो। हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं के दाल गल गए। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। जिसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं के दाल गल गए। वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह, वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह, वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर आज बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि भाई फिल्म ही इतनी मजेदार है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है ड्यूप्लीकेट, मैं हूँ रुचि आपके साथ। 90s के दौरान हिंदी सिनेमा में सोनाली बेंद्रे का डेब्यू हुआ था विद द फिल्म आग, जिसके लिए उन्हें न्यू फेस अवार्ड के साथ साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। शुरुआत सोनाली ने काफी इंटरेस्टिंग रोल्स किए थे इन फिल्म्स लाइक नाराज, दिल जले, बॉम्बे एटसेट्रा, लेकिन इवेंचुअली उनका करियर ग्राफ थोड़ा गिरता जा रहा था। सोनाली फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रेपरेशन के साथ भी नहीं आई थी, क्योंकि वो तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिन्होंने कभी फिल्में देखी भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें खुद को भी अपने फिल्मी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं था। वो और उनकी फैमिली बुक्स पढ़ा करती थी, उन्हें फैशन मैगजीन्स क्या होती हैं ये भी नहीं पता था, सिर्फ पढ़ाई वगैरह में उनकी पूरी फैमिली जो थी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने फिल्म और फैशन इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं रह रही थी। उन्होंने जो कुछ सीखा सब कुछ फिल्म के सेट्स पर ही सीखा। वो मानती हैं कि उन्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री की ज़्यादा जानकारी होती तो शायद उनकी फिल्म चॉइसेस थोड़ी बेहतर होती। इवन विद द फिल्म ड्यूप्लीकेट, वैसे तो उन्हें उनका रोल काफ़ी पसंद आया था, लेकिन बाद में जाकर के उन्हें यह एहसास हुआ था कि लीड रोल में होने के बावजूद वो जूही और शाहरुख के पॉपुलैरिटी के बीच कहीं खो सी गई थी। वेल, आज सोनाली को अपने किसी भी डिसीजन से कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो अपने आज में काफी खुश हैं। चलिए आइए सुनते हैं ड्यूप्लीकेट फिल्म से ही अनु मलिक जी का ये इंस्ट्रूमेंटल पीस। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरी यानी रुचि के साथ। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।